जगत हो, राजनीति हो या क्षेत्र हो व्यापार, जुर्म फरेब की हर गली से गुजरे जो कह के खबरदार, झूठ का पर्दाफाश करेगा सच का पहरेदार, हर तरह की खबरें लेकर पेश है मुंबई रफ्तार। नमस्कार, मैं हूं सैयद शादना और आप देख रहे हैं मुंबई रफ्तार न्यूज। वेदिका जी के कहने पे मैंने ये सिक्योरिटी बॉन्ड बनाया है। मेरे टैक्स एसोसिएशन के दोस्त और कुछ पड़ोसियों की मदद से हमने गारंटी के पैसे जमा कर दिए। ये नीलामी की नहीं, और इस गारंटी के आधार पर हम आपको 24 घंटे की बॉन्ड देते हैं। अगर 24 घंटे के अंदर अंदर आपने कर्जा चुका दिया तो आपका घर नीलाम नहीं किया जाएगा, और अगर नहीं चुका पाए ये नीलामी 24 घंटे के बाद फिर शुरू। ये अचानक हुआ है, ये मुझे नहीं पता, ये जो भी हुआ है, ये कौन है ये गुड्डू जो आया है नया शख्स घर में, इससे मेरी मुलाकात पहली बार हुई। तो ये स्टे ऑर्डर लेके आया, 24 घंटे की मोहलत ली है इसने। तो लेट्स सी, अभी मेरी तरफ से पूरी कोशिश है कि ये लोग ना बचा पाएँ इस घर को, और मैं 24 घंटे से पहले इस घर को बिकवा दूँ या नीलामी लगवा दूँ, कौड़ियों के दाम बेच दूँ इस घर को। तो लेट्स सी अभी क्या होता है 24 घंटे के बाद। नोटाइज किया है मैंने साहिल को, और उसके साथ पिछले 4-5 घंटों में जो कुछ भी हुआ उसे कुछ भी याद नहीं है, वो मेमोरी ब्लैंक हो चुकी है। तो जो मेरी सच्चाई सामने आने वाली थी अब वो नहीं आ रही। एक बार फिर मुझे मौका मिला, एक बार फिर इस चूहे ने बिल्ली को मात दी है। तो यार ऐसा कुछ नहीं, नहीं ये मकसद नहीं है, मकसद का पहला पड़ाव है सिर्फ घर खाली करना। असली मकसद तो बहुत कुछ है, अभी बहुत बहुत तड़पाना है इस परिवार को। तो ये पहला पड़ाव था, लेकिन अभी ये बच गए हैं, होली आ गई है, क्योंकि अभी 24 घंटे का इन्हें अल्टीमेटम मिल गया है। तो लेट्स सी कब तक बचेंगे। बड़ी अम्मा ने तो एक अपने ही प्रेशर में कहा है, क्योंकि उनकी सिस्टर आ गई है जो उनका राज खोल सकती है, 3-3-3 का राज खोल सकती है। तो वो उनसे बचने के लिए बोल रही, बट ऐसे पर्सनली हमसे कोई उनको प्रॉब्लम नहीं है, उनको सिर्फ ये है कि वो राज ना सामने आ जाए। तो साहिल ने ऑफकोर्स अभी चाहता है साहिल की, क्योंकि मैं उसकी वजह से पागल हुआ हूँ और मैं बहुत सारे कष्ट सहे हैं उसकी वजह से, तो वो अपने घर में रखेगा मुझे। तो अभी तो हम हैं इस घर, इस होली पे अभी तक तो मुझे नहीं पता क्या धमाका हुआ है, लेकिन कुछ ना कुछ तो बहुत बड़ा होने वाला है। Mm-hmm.
मुंबई रफ्तार न्यूज़ की खबरें पसंद आने पर हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें।